हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नीना परिहार। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह पे, इसका नाम है हरी पैलेस। आप देखते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। आज यहाँ पे ग्रीनरी। अभी मैं हरी निवास पैलेस के एंट्रेंस पे खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो तवी रिवर है, वहाँ का बहुत अच्छा व्यू यहाँ से दिखता है। सो आई विल शो यू दैट। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं आम के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब आम का सीजन आता है तब बहुत सारे आम लगते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब मैं दिखाऊंगी आपको चार चीज़ें हैं। यहाँ पे डाइवर्जन है, ये जाती है अमर महल के लिए। हरी पैलेस को ही अमर महल कहा जाता है क्योंकि जो महाराजा हरी सिंह थे उनके फादर थे वो महाराजा अमर सिंह। और यहाँ पे ये होटल भी यहीं पे है, होटल हरी निवास। एंड ये रोड जाएगी रॉयल रिट्रीट एंड राजभवन को। पहुंच गए हैं अभी अमर महल के पास। चलो चलते हैं। Jammu was derived from the name of Maharaja Jammu Lochan, जो जम्मू के राजा थे। और मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता दूंगी जम्मू की, जम्मू एंड कश्मीर की। जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये इसके जैसे आप देख सकते हो महाराजा गुलाब सिंह, ये इन्होंने फॉर्म किया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, क्योंकि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने ये गिफ्ट करा था जम्मू उनको, महाराजा गुलाब सिंह को। इसीलिए उनको स्थापक कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, महाराजा गुलाब सिंह जी को। अब मैं आपको मेन प्लेस पे लेके जाऊंगी जो म्यूज़ियम बन गया है। और पहले ये पैलेस था, अब ये मतलब जो उनके महाराजा हरी सिंह जी के डिसेंडेंट्स थे उन्होंने इसको 1990 में कन्वर्ट कर दिया पैलेस में। और यहाँ पे इसके एस्टेट के ग्राउंड फ्लोर पे म्यूज़ियम है, जहाँ पे बहुत सारी मिनिएचर आर्ट एंड पेंटिंग्स रखी गई हैं। वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी। अभी चलते हैं फिलहाल इसके अंदर। अंदर एंटर करने से पहले हमें यहाँ से एक टिकट लेनी पड़ेगी, जो एंट्रेंस टिकट ज़रूरी होती है। और इसकी टाइमिंग भी मैं बता दूंगी आपको कि जो ये हर हफ्ते खुला रहेगा बट मंडे को बंद रहता है। और इसकी टाइमिंग होंगी 9 to 1 एंड 2 to 5, 1 to 2 ये बंद रहेगा। अंकल तीन लेना, तीन। हमने अपनी टिकट्स ले लिए हैं, अब चलो चलते हैं अंदर म्यूज़ियम के अंदर। जाना भी जाएंगे ना। यहाँ पे एंट्रेंस के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी हुई है। और अभी तो मैं इतना सारा पढ़ूँगी नहीं आपके सामने, बट जब आपने पढ़ाया तो रीड कर सकते हैं आप यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बताऊँगी, यहाँ पे पोर्ट्रेट्स लगाए हुए हैं रॉयल फैमिली के, राजा अमर सिंह जी। पैलेस बनवाया था एक फ्रेंच आर्किटेक्ट से, और ये यूरोपियन कैसल स्टाइल में बनवाया गया है विद रेड सैंडस्टोन्स एंड ब्रिक्स के साथ। और इसका जो नाम पड़ा है वो भी इन्हीं के नाम पे पड़ा है, अमर महल। और उसके बाद जो इनके डिसेंडेंट थे महाराजा हरी सिंह, उनकी पोर्ट्रेट दिखाना चाहूँगी मैं। जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने 22 इयर्स तक राज किया था। और उसके बाद ये जो था उनका ऑफिशियल लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस था उनका। उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 टाइप की ड्रेसेस यहाँ पे हैं। ये इंडिकेट करती हैं 4 टाइप के रिलीजन इन जम्मू एंड कश्मीर। स्टार्टिंग से आऊँगी मैं यहाँ पे। ये है कश्मीरी कल्चर की ड्रेस जो वुमेन पहनती हैं, और ये आ गई लद्दाखी। इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन आई थिंक, ये जो है ये डोगरा कल्चर की है एंड दिस इज ऑफ आई थिंक भद्रवाही। दूसरे चैम्बर में एंटर करें। जो लास्ट प्रिंस है उनका नाम है करन सिंह, और वो एक अच्छे ऑथर हैं। उनकी बुक्स भी यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, और अब वो पॉलिटिशियन भी हैं। यहाँ पे पूरी रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट्स डिस्प्ले किए गए हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल बारासिंगा है जो केमिकल्स के साथ प्रिजर्व करके यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और इनके साइड पे जो पोर्ट्रेट है वो है प्रिंस करन सिंह का और उनकी वाइफ यशोराजिया लक्ष्मी। यहाँ से बंद है, यहाँ से चलना पड़ेगा। दूसरा चैम्बर है जहाँ पे भी पोर्ट्रेट सजाए हुए हैं रॉयल फैमिली के। बताया हुआ है उनकी शौक वगैरह, बताया हुआ है उनके क्या शौक थे। बोटिंग करने में बहुत अच्छा लगता था उन्हें। और ये है राजा हरी सिंह। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए, 120 kg की एक kg गोल्ड का जो सोफा बना हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाऊंगी। और सिक्योरिटी पर्पस इसको बंद रखा जाता है। दिस इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। हेलो इस चैम्बर में एंटर कर गए हैं जहाँ पे मिनिएचर आर्ट्स रखी हुई हैं और पोर्ट्रेट्स हैं रॉयल फैमिली के। ये जो आर्ट्स मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है राजा नल और रानी दमयंती की लव स्टोरी की कहानी। इस पे यू नो 43 सेट्स ऑफ मिनिएचर आर्ट्स पे डिस्क्राइब करी हुई है कैसे उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, अबाउट देयर लाइफ, सब इन पिक्चर्स में शो किया गया है। इनकी लव स्टोरी एक हंस के जरिए स्टार्ट हुई थी। ये पोर्ट्रेट्स हैं जो प्रिंस करन सिंह और उनकी वाइफ यशोराजिया लक्ष्मी। ये है महारानी तारा देवी और ये महाराजा हरी सिंह जी। ये थे राजा अमर सिंह। बहुत सारे राजा जिनकी पोर्ट्रेट यहाँ पे डिस्प्ले करे हुए हैं। और ये है जम्मू एंड कश्मीर का मिनिएचर। देख रहे हो आप कितने सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स की गई है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी जो भगवान विष्णु जी हैं उनके 10 अवतार के बारे में, और ये सारी पेंटिंग्स उनके अवतार हैं। ये मैं बताऊंगी जो जो मुझे याद आ रहा है। ये है मत्स्य जो उनका एक अवतार था, और ये है आई थिंक परशुराम, ये है राम जी का, और बाकी मुझे याद नहीं है इतने। हाँ लेकिन ये है, हाँ यहाँ पे कूर्मा अवतार, ये है वारा अवतार, ये है बलराम अवतार, और ये है श्री कृष्ण अवतार, ये है नरसिम्हा अवतार, और ये है वामना अवतार, और ये मैं लास्ट में बताऊंगी। और एक ये अवतार है उनका विष्णु भगवान जी का, और ये अवतार है कल्कि अवतार जो कि अब आएगा, क्योंकि ये कलयुग है और उन्होंने कहा था कि जब कलयुग में बहुत सारा घोर अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ होने लगेगा, लोग अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे, उसके बाद उनका अवतार होगा और वो आएंगे। ये शो करता है यहाँ पे ना, दे शोज टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, वो आएंगे और फिर से इस धरती का अवतार करें, अवतार लेके धरती पे इस जो भी पाप शाप है वो सब खत्म कर देंगे, और फिर से सतयुग का आगमन हो जाएगा। जिन्होंने ये पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं वो आर्टिस्ट ये हैं सतनाम सिंह। ये इसके बारे में आपको एक ख़ास बात बताऊंगी, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पोर्ट्रेट है ये एक्चुअली 3D इफेक्ट है आई थिंक, क्योंकि जब भी हम इस साइड जाएंगे इनके शूज़ इस तरफ टर्न हो जाते हैं, और जब हम सामने आएंगे तो हमारे सामने इनके शूज़ टर्न हो जाते हैं और वो हमारी तरफ देखने लगते हैं, और जब हम इस तरफ आते हैं तो भी ये हमारी तरफ देख रहे हैं और उनके शूज़ भी हमारी तरफ टर्न है ना, मैजिक, इट्स लाइक मैजिक। फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ऊपर वाले चैम्बर में, जहाँ पे महारानी तारा देवी की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनके कपड़े हैं, उनका रूम है, उनका बेड है जो चांदी से बना हुआ है। अभी चलेंगे देखने के लिए। यहाँ पे एक लिफ्ट भी है जो उस ज़माने में थी और अभी बंद है, पता नहीं चलती है नहीं चलती है, अभी भी चलती है, और देख सकते हैं वहाँ पे तब भी बहुत एडवांस था यहाँ पे। और हम एंटर कर रहे हैं इस गैलरी में। इसके लिए आपको स्पेशल टिकट लेनी पड़ेगी, जो नॉर्मल है वो 25 की है, और जो स्पेशल है जिनको यहाँ पे आना है ओके 125 की है। और ये बताएंगे आपको अंकल, बताओ आप। ये महारानी तारा देवी जी, इनका रूम है ओके, तो इनका सामान ही रखा हुआ हमने, वैसे जो उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है पूरा उनका सामान रखा हुआ है ओके। अंकल जो ये इनकी पोर्ट्रेट्स बनाई हुई हैं ये कैसे बनाई हुई है? शोभा सिंह जी ने बनाई है, 1962 में पेंटिंग बनाई थी। अच्छा, जो इनके आर्टिस्ट थे ओके। और कैसे बनाए थे? ये कलर तो ऐसे लगता है बिल्कुल रियल है, बहुत अच्छे कलर ऐसे यूज किए गए ओके। ये महारानी विक्टोरिया, इन्होंने विक्टोरिया क्रॉस महारानी जी को दिया हुआ गिफ्ट में, ये बीच पड़ा हुआ। अच्छा, ये कब दिया था और क्यों दिया था? इन्होंने महारानी जी ने पीछे जो कमान किए थे, राजा जी किए थे जंग में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, हाँ हाँ, पीछे जो इन्होंने कमान की थी इसलिए इन्होंने दी थी। अच्छा, तो रानी विक्टोरिया जी की इन्होंने हेल्प करी थी। नहीं, विक्टोरिया रानी ने इनको इनाम दिया है कुछ के लिए, इन्होंने JNK की शासन अच्छा किया था। अच्छा अच्छा, राजा जी की गैर मौजूदगी में ओके ओके ओके। जब ये खुश हुए थे इनकी रॉयल्टी पे तो इन्होंने महारानी तारा जी को ये एक विक्टोरिया क्रॉस दिया था गिफ्ट में, और ये अभी तक प्रिजर्व है। उनका ब्रश भी यहीं पे है, उनका बॉक्स आई थिंक ज्वेलरी बॉक्स होगा। एंड आगे चलते हैं। महाराज जी का बेड है। ओके, यहाँ पे वो सोते थे। चांदी का है ना ये? सिल्वर के पवे लगे हैं सिर्फ इसमें। ओके, सिर्फ इसके जो छोटे छोटे पवे बोलते हैं ना, हाँ हाँ, ये सिल्वर के बने हुए हैं। यहाँ पे वो सोते थे। ये उस टाइम की वॉच है अंकल। ओके, ये अपने बेटी के साथ उनकी पिक। और ये जो नीचे मैंने आपको दिखाया था, डिस्प्ले किया गया था, वो बारासिंगा। ये आ जाते हैं। अंकल, इनके बारे में बताओ कुछ। ये शो पीसी है। ओके, उस टाइम के महाराज जी बैठ के चाय वगैरह पीती थी यहाँ पर। ओके, ये सब सामान उनका तब से प्रिजर्व करके रखा हुआ है ये सारा। ओके, ये ग्रामोफोन का गाने सुनने के लिए रखा हुआ महाराज जी। वाओ, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इसको, ग्रामोफोन उस टाइम का। ये तो सिर्फ मैंने टीवी में ही देखा था, बट आज देखने को मिल गया। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ इस चैम्बर में। और यहाँ पे रेन गियर गार्ड्स रखे हुए हैं। ओके ओके ओके, अभी चलते हैं ये सब? नहीं चलते हैं। ओके, महाराज जी का ड्रेसिंग टेबल ये था, ड्रेसिंग टेबल। ओके, दिस इज मी। और वैसे भी गर्ल्स के लिए मिरर तो बहुत ज़रूरी होता है। इट्स लाइक फ्रेंड जो आपको सब बताता है। ये उनकी कॉम पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये कुछ शोपीस। चाबी देख के चलते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए महाराज जी के ड्रेसिंग रूम, वॉशरूम। यहाँ पे ये आ गया ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम में ये सारी ड्रेसेस तब से प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। उनकी चप्पल, उनकी हील्स। ओके, ये डोगरी सूट्स हैं उनके, जो हमारे यहाँ पे डोगरा कल्चर में लगाए जाते हैं। और ये उनके श्रग्स। और क्या है अंकल यहाँ पे? अच्छा, ये था वॉशरूम उनका। ओके, ये सब उस टाइम का ही प्रिजर्व करा हुआ है। सोप वगैरह सब कुछ, छेड़छाड़ नहीं करी है इसके साथ। ये सब आगे उनकी परफ्यूम्स वगैरह। एंड मिरर, यहाँ से व्यू है बाहर का। और चलो चलते हैं। ये आ गई। ओके, ये है लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरी रोड नहीं है वैसे तो ना। ओके, जो लाइब्रेरी है वो वहाँ पे 25,000 बुक्स रखी गई है, वो कहाँ पे है? वो रोड नहीं दिखाते हैं, वो ये साइड है कहाँ? अच्छा, ये अलो नहीं है यहाँ पे जाना, बट ये लाइब्रेरी है जहाँ पे 25,000 बुक्स रखी गई हैं। और हर एक टाइप की बुक्स हैं यहाँ पे। ये म्यूजियम है, पुराना हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। इधर आप आ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कोई अच्छा लगेगा आपको, पिकनिक स्पॉट है। तो बहुत अच्छे रूम्स हैं। महारानी जी के दिखाने वाले ऐसे हैं, जो उनके ड्रेस हैं, उनका बेड वगैरह है, सब दिखाएंगे आपको। कोई ऐसी बात नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अंकल थैंक्स बोलना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे यहाँ पे आके, और सब दिखाया, बहुत अच्छे से दिखाया इन्होंने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप जब भी आएँ तो ऊपर वाला चैम्बर ज़रूर देख के जाएँ। बहुत अच्छा है यहाँ पे। और काफ़ी मतलब थोड़ा रॉयल टाइप फील होगा जब आप देखेंगे। खुद अपने आप को रख के देखो उस जगह पे, फिर अच्छा फील होता है। और अंकल, आप इनसे कहिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। आइए, इनको देखिए, हमारा सारा सिस्टम अच्छा है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। चलो अब चलते हैं नीचे। और यहाँ का टूर तो हो गया। और ऊपर क्या है अंकल? ऊपर लाइब्रेरी है, डॉक्टर करन सिंह जी की पर्सनल लाइब्रेरी। ओके, उनकी। अच्छा, कोई आते हैं यहाँ पे? अब ओपन है या नहीं? आते रहते हैं। अच्छा, ओके, ये आ गया कितने फ्लोर है ये ऊपर? 3 फ्लोर बिल्डिंग है। 3 फ्लोर बिल्डिंग है, ओके। और ये अभी भी यूज कर रहा है कोई कि ये बंद ही रही है अब लिफ्ट? हाँ, अभी बस चलती है लिफ्ट वगैरह, जब डॉक्टर कंसल्ट करते हैं तो चलाते हैं हम। ओके, अच्छा वो जब आते हैं तब वो चलाते हैं? नहीं, हम उनके लिए चलाते हैं ना। अच्छा अच्छा, क्या बात है, ओके, उन्हीं का ही घर था वैसे। चलो चलो गाइज, आज का हो गया और बहुत अच्छा लगा ये टूर यहाँ का। आगे मैं आपको सराउंडिंग दिखाऊंगी जहाँ पे एक तरफ पे त्रिकुटा हिल्स हैं इस पैलेस के, और दूसरी तरफ जो व्यू है वो है तवी रिवर का। लेट्स गो। मैं आपको यहाँ पे बाहर लेके आई हूँ अब यहाँ पे व्यू दिखाने के लिए तवी का। ये है तवी रिवर और इसकी आर्ट भी करी हुई है जो मैंने आपको अंदर दिखाई। यहाँ पे महाराजा हरी सिंह यार 1846 in 1846 ये मेरी अमर महल म्यूजियम के एडजेसेंट साइड पे जो है वो सूट्स हैं रॉयल फैमिली के। अब ये जो है 1990 में जो था ये पैलेस, ये कन्वर्ट कर दिया गया था होटल में।